नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब से लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है आपका टॉपिक नंबर 8 होगा, चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, चैप्टर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 8, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज फॉर ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका पश्चिम से लेकर पूरब की ओर बताना है। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कोयली, पानीपत, कोची, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो 2 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, कोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रूड सॉइल। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। आपका तीनों जो है जगह पर आपका क्रूड ऑयल है, आसाम, गुजरात, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फ्रॉम सी। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जियो थर्मल एनर्जी। क्वेश्चन आपका 5 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम क्रूड इन इंडिया। 5 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द प्लेस दैट इज नॉट एन ऑयल फील्ड। तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेडो। क्वेश्चन आपका जो है 7 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, तो कोल फील्ड है और लोकेटेड आपका जो है, तो 7 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। तो तलचीर का आपका हो जाएगा महानदी वैली, और कारण कर्णापुरा का दामोदर वैली, सिंगरौली का आपका हो जाएगा सोन वैली, आप सिंगरेनी का आपका हो जाएगा गोदावरी वैली। ठीक है, तो तलचीर का महानदी वैली, कर्णापुरा का आपका सोन दामोदर वैली, सिंगरौली का आपका सोन वैली, सिंगरेनी का आपका गोदावरी वैली। नंबर 8 है, कोरबा कोल्ड फील्ड इज इन। तो 9 का 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 9 है, विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगदेचू पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया कोल इज आर। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, तो हाई एस कॉन्टेंट और आपका जो है लो सल्फर कॉन्टेंट, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अमंग खंबात, अंकलेश्वर, कलोल, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना ऑफ गुजरात। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेजर ऑन सोर ऑयल एंड गैस फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 है, विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू, आपका दोनों सही नहीं है। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टेक यूनिट। गलत है आपका, द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द प्राइस पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्रूड ऑयल्स रिजर्व। तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका तीनों सही है। तो आसाम, गुजरात और राजस्थान तीनों सही है। 15 है, अलमाटी टैंक प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वॉज सेट इशू बिटवीन विच स्टेट। तो 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कुछ 16 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 16 राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 ऑनली आपका सही है, माइका आकर्षण अबंडेंस इन कोडरमा ये सही है, और नेचुरल गैस सकरी कोडवाना बेट्स गलत है, और धारवाड़ सर फेमस फॉर पेट्रोलियम गलत है। 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए थर्मल प्लांट। तो आपका इसमें से कौन सा थर्मल प्लांट नहीं है। तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए, पयाकारा आपका थर्मल प्लांट नहीं है। कुछ 18 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1। तो सतपुरा आपका पावर प्लांट कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में दुबराना पर है, तो गुजरात में कनकपुरा पर है, तो आपका उत्तराखंड में दाभोरा पर है, तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कुछ 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर सेल गैस रिसोर्स फाउंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका सही है, कैम्बे बेसिन ये सही है, कावेरी बेसिन सही है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन ये भी आपका तीनों सही है। 20 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लोकेशन इन द मैप। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो आपका श्रीशैलम आपका देखिए यहाँ पर है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन श्रीशैलम, और उसके नीचे आपका जो है बी सबरीगिरी। तो बी यहाँ पर आपका सबरीगिरी है, और 4 का सी हो जाएगा, ठीक है, हीराकुंड।
हीरा कुंड आपका यहाँ पर गलत गलत यहाँ पर दिया हुआ आपका ये ऑप्शन ठीक है। तो श्री सैलम तो आपका यहाँ पर सही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ठीक है। हीरा कुंड आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। सी का आपका यहाँ सी हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पक्का हो जाएगा यहाँ पर सबरी गिरी हो जाएगा, सबरी गिरी बी हो जाएगा और यहाँ आपका डी हो जाएगा सिलेरू ठीक है। ये आपका सिलेरू यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर है यहाँ पर श्री सैलम, यहाँ पर आपका हो जाएगा सबरी गिरी और यहाँ पर आपका हो जाएगा हीराकुंड और यहाँ पर हो जाएगा जो है सिलेरू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन 2013 and 14 और तमिलनाडु का हो जाएगा कुंडाकुलम और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोरा और गुजरात का हो जाएगा थ्री करकरापार ठीक है। तो कर्नाटका का कहेगा, तमिलनाडु का आपका कुंडाकुलम, उत्तर प्रदेश का आपका नरोरा और गुजरात का हो जाएगा ककरापार। गुजरात 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल, तो ब्राउन कोल किसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट को कहते हैं। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई वन ऑनली वन एंड टू, तो आपका जो है विंड एंड सोलर आपका जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 25 ऑफ दिसंबर 2019 डैश वाज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ टू इंडिया, तो 25 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इराक, तो 26 है अमंग सोर्स ऑफ पावर इंडिया हैज लार्जेस्ट जल्स ऑफ, तो 26 का ऑप्शन नंबर कोल, और 27 है द फोर्थ एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरोरा इन यूपी। कुछ आपका जो है नेक्स्ट है 28 है हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्मड एज रिजल्ट ऑफ, तो 28 का ऑप्शन नंबर जियो थर्मल एनर्जी। कुछ 28 है द यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड ए फ्यू किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिलोंग ठीक है। कुछ आपका जो है 30 है विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट टेरेस्ट्रियल कोलफील्ड, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हिमालयन माउंटेनरेज। क्वेश्चन 31 है कोलादी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन, तो 31 का राइट ऑप्शन नंबर ए नागपुर। क्वेश्चन 32 है तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी थाने डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 33 है तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज यूज्ड फॉर, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आपका 34 है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 35 है इन विच स्टेट इज कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु। 36 है पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम इज, तो 36 का ऑप्शन नंबर एक वेस्ट बंगाल। 37 है एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सर्फेस इज नोन एज, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी जियो थर्मल एनर्जी। 38 है पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन सिचुएटेड है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए जोगिंदर नगर। 39 है ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1342, तो आपका कोयली हो जाएगा, उसे आपका मथुरा हो जाएगा और उसे आपका हल्दिया हो जाएगा और आपका जो है लास्ट में बोनगाई गाँव हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका सही है, तो कोयली आपका मथुरा हल्दिया और गुड़गाई का। कुछ 40 है विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑनली आपका सही है। तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन आपका सही है। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप गलत है। कुछ 41 है टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम पॉइंट दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम, तो आपका 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ठीक है। 1 2 आपका 3 सही है, 1 2 3, तो थोरियम इज ए फार मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम आपका सही है ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ मेटल माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम आपका सही है। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू
वेरी आपका तीनों सही है। क्वेश्चन 42 है, अदर देन जत्रोफा कर्कस व्हाई इज पोंगामिया पिनाटा आल्सो कंसीडर्ड ए गुड ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन इंडिया। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोर्थ 1 और 2 आपका सही है। तो पोंगामिया पिनाटा ग्रोस नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एसिड रीजन एंड रीजन ऑफ इंडिया। द सीड्स ऑफ पोंगामिया पिनाटा रिच इन लिपिड कंटेंट ऑफ विच नियरली हाफ आइसोलिक एसिड। क्वेश्चन 43 है, भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। क्वेश्चन का 44 है, व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया। 44 का राइट ऑप्शन बी 12%। 45 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल हैज ए वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। 45 का ऑप्शन नंबर सी शुगर कैन। 46 है, द लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। 46 का ऑप्शन नंबर ए सतलज। 47 है, द कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम विच वॉज इन द न्यू रिसेंटली इज कंस्ट्रक्टेड इन। 47 का ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। 48 है, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो ऑप्शन नंबर बी महानदी। 49 है, झारखंड कंट्रीब्यूशन इन टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया ऑप्शन नंबर ए 40%। 50 है, कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट ऑप्शन नंबर ए झरिया। 51 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जांगीर तो पान पावर प्रोजेक्ट्स आर प्रपोज्ड टू सेटअप ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 8 एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।